फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था ब्लड के बारे में, तो ब्लड में रुधिराणु यानी कॉर्पल्स पढ़े थे, तो उसका आधा पार्ट तो हो गया था और कुछ पार्ट था यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने एक चार्ट बना दिया है, अब इसी के जरिए से हम RBC, WBC और प्लेटलेट्स अभी हमने नहीं लिखा, इसको बोर्ड में जगह ना होने के कारण प्लेटलेट्स से थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले ये दोनों समझ लेते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में RBC और WBC प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज़ होते हैं तो पता है। तो समझते हैं RBC, जिसको कहते हैं साइंस की भाषा में एरिथ्रोसाइट। इसको साइंस की भाषा में हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि साइंस की भाषा में इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो ये जब अगर RBC में देखोगे तो क्या होता है, RBC का आकार ब्लड में कैसा होता है। तो RBC का आकार ब्लड में गोल होता है तथा बीच में चपटा होता है ना। RBC का आकार गोल होता है तथा बीच में चपटा होता है, इस तरीके से रहता है गोल, लेकिन बीच में ये चपटा रहता है। और नेक्स्ट होता है कि RBC ऊंचाई पर जाने से आकार छोटा हो जाता है। ये मतलब ऊंचाई पर, इसमें अगर इस गोले में ऊंचाई पर जाओगे तो इसका आकार छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिजॉल्व की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए ऊपर जाने से इसका आकार छोटा हो जाता है। और क्या है, लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम नहीं होता, RBC में लाइसोसोम नहीं होता। और लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर जिस पार्ट में लाइसोसोम होता है, जैसे मान लीजिए RBC का भी कुछ जीवन काल होता है, जैसे हमने बताया था कि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है ना, 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। तो कुछ दिन बाद ये भी तो मरेगा, मान लीजिए ये मरेगा तो हमारे शरीर में अगर इसका भक्षण अगर कोई नहीं करेगा तो ये ऐसे ही हमारे शरीर में हमेशा ऐसे मुर्दे के जैसे चल बहता रहेगा, इधर उधर पड़ा रहेगा। तो इसको भी तो भक्षण करने के लिए कुछ चाहिए, तो इसमें लाइसोसोम अगर होता तो ये लाइसोसोम तो मरी हुई चीज़ों का भक्षण कर लेता है, लेकिन बात इसमें है कि इसमें लाइसोसोम होता ही नहीं है, नहीं होता इसमें लाइसोसोम। तो जब नहीं होता, मतलब इसको तो बताया था कि जब ये RBC मर जाता है तो कौन भक्षण करता है, लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं होता और इसमें केंद्रक भी नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक में क्या क्या होता है, केंद्रक अगर होता तो उसमें DNA तथा RNA केंद्रक में ही होता है, जिससे कि अगर कोई कांड वगैरह हो जाता है तो हम यानी DNA से पता लगा लेते हैं। तो इसमें ना केंद्रक जब है ही नहीं तो RBC में ना ही DNA है ना ही RNA है। तो इसका कहने का मतलब है कि RBC से कभी भी DNA का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसमें केंद्रक है ही नहीं, है ना। और इसमें रुधिराणु की संख्या कितनी होती, रुधिराणु होता है 95%, 95% रुधिराणु यानी कॉर्पल्स होता है, है ना। और देखो इसमें हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन घटता तथा बढ़ता रहता है, RBC इसमें हीमोग्लोबिन घटता तथा बढ़ता रहता है। तो RBC समझ लिए, यानी एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स, आपने समझ लिया कि इसमें क्या क्या होता है। इसका आकार गोलाकार होता है तथा बीच में चपटा होता है, और ऊंचाई पर जाने पर इसका आकार छोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें डिजॉल्व की क्षमता कम हो जाती है ऊपर जाने पर, लाइसोसोम नहीं होता, केंद्रक भी नहीं होता, जिससे कि RBC से DNA का पता नहीं लगाया जा सकता। और रुधिराणु की संख्या 95% होता है, हीमोग्लोबिन घटता तथा बढ़ता रहता है। तो ये तो हमने पता कर लिया कि इसमें RBC में क्या होता है। अब चलो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, इसको साइंस की भाषा में ल्यूकोसाइट कहते हैं, है ना। तो इसका आकार कैसा, WBC का आकार अनिश्चित होता है ना, इसका आकार अनिश्चित होता है। और देखो इसमें केंद्रक, देखो इस सॉरी हमने यहाँ इसमें केंद्रक होता है ना, WBC में केंद्रक होता है। तो
यहाँ पर अगर डीएनए का पता लगाया जा सकता है तो आरबीसी से नहीं डब्ल्यूबीसी से पता लगाया जा सकता है डीएनए का, क्योंकि इसमें केंद्रक है। जब केंद्रक है तो इसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों चीज़ केंद्रक में उपस्थित होते, तो इसमें है डीएनए होता है, तो इसमें पता लगाया जा सकता है। और इसमें ये जो डब्ल्यूबीसी है ये रोग से रक्षा करता है ना, रोग से रक्षा करता है। अब रोग से रक्षा करता है तो इसके कई प्रकार होते हैं, हमने प्रकार भी लिख दिया है, 6 प्रकार होते हैं। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल, बेसोफिल, है ना, 6 प्रकार के हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है, क्योंकि लिखे हम कि ये रोग से रक्षा प्रदान करता है, तो जब रोग से रक्षा प्रदान करेगा तो सबसे पहले एंटीबॉडी है, तो सबसे पहले एंटीबॉडी होने का मतलब क्या हो सकता है कि अगर हमारे शरीर में कोई मान लीजिए रोग वायरस ही समझ लीजिए, जैसे हमारे बॉडी में वायरस अगर प्रवेश किया तो सबसे पहले इन 6 में किसको पता चलेगा, सबसे पहले एंटीबॉडी को पता चलेगा कि अगर कोई भी वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, तो ये एंटीबॉडी पता लगा, इसको तुरंत ही झटाक से पता चल जाता है कि हाँ हमारे शरीर में बॉडी में वायरस या फिर रोग किसी भी प्रकार का आ रहा है, आ गया है। तो ये एक्टिव हो जाता है, किसको बताता है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, इसका कार्य केवल होता है कि उस रोग को पता करना, इसका केवल इतना ही कार्य होता है। तो ये तो कुछ कर सकता नहीं है, केवल ये इन्फॉर्म ही तो कर सकता है, तो किसको करेगा, ये करेगा लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट को, कि बताता है कि हमारे शरीर में वायरस प्रवेश कर दिया, इंटर कर लिया, चलिए आप देखिए क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये लिम्फोसाइट क्या कहता है, कहता है कि कहाँ है, चलो हमें दिखाओ कहाँ है। तो जब ये एंटीबॉडी दिखाता है तो ये लिम्फोसाइट क्या करता है, उस वायरस को मार देता है, क्या करता है, मार देता है, मार। और इसको लिम्फोसाइट को कहते हैं टी सेल के नाम से भी जाना जाता है लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोसाइट उस वायरस या फिर रोग को मार दिया, लेकिन मार तो दिया लेकिन अब उसकी लाश भी तो हमारे बॉडी में हमेशा इधर उधर घूमती रहेगी, तो अगर लाश उसकी हमारे शरीर से अगर जाएगा नहीं तब भी तो प्रॉब्लम है। तो ये लिम्फोसाइट कहता है, मोनोसाइट के पास जाता है, मोनोसाइट से कहता है कि चलिए आपका काम आ गया, क्योंकि वायरस घुसा था और लिम्फोसाइट ने मारा, अब लिम्फोसाइट बताएगा मोनोसाइट को, तो मोनोसाइट क्या करता है, उसका भक्षण करता है। भक्षण जब कर लेगा उस वायरस को, यानी भक्षित कर लेगा, खा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस मोनोसाइट का आकार बड़ा हो जाएगा, मोनोसाइट का आकार बड़ा हो गया, क्योंकि ये जब भक्षण कर लिया तो आकार बढ़ेगा ही। और इन तीनों का उतना कोई इसमें कार्य नहीं होता, केवल इसमें तीन ही चीज़ का ज़्यादा कार्य होता है, केवल प्रकार पूछ ले तो इन तीनों को बताया जा सकता है, इनका इन तीनों का कोई कार्य नहीं होता है इस उतना, केवल यही तीनों का मेन कार्य होता है। क्यों, क्योंकि जब हमारे बॉडी में वायरस आया तो इसको पता चला, इसने जाकर लिम्फोसाइट को बताया, लिम्फोसाइट ने मार दिया और इसने जाकर बताया मोनोसाइट को, मोनोसाइट ने उसको भक्षित कर लिया, तो बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ गए तो बस यही है ही। तो इतना समझ गए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इतना ये सारे चार्ट आप लोग बना लेना। अब क्या बचा है, केवल प्लेटलेट्स, ये तीनों अगर समझ गए तो क्या है कि इसमें ब्लड पूरा समझ गया, केवल अब प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग को जानना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अभी प्लेटलेट्स के बारे में समझा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो चलो अब चलते हैं प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। तो आप लोगों ने ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में जान लिया था। अब तीसरे नंबर पर है हमारा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं साइंस की भाषा में बिंबाणु, है ना। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं, अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी आ जाए तो सबसे पहले तो बता देते हैं प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में कहीं भी चोट लगा तो
चोट जहाँ पर लगा है वहाँ ब्लड तो बहता ही है। मान लीजिए हमारे हाथ में चोट लगा, यहाँ पर ब्लड बह रहा है, तो यहाँ पर अगर ब्लड बह रहा है तो ये प्लेटलेट्स क्या होता है उसके उस चोट पर आकर एकत्रित हो जाता है। इस तो प्लेटलेट्स यहाँ जहाँ चोट रहता है वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो हमारा ब्लड हमेशा ही बहता रहे, तो जिससे कि हमें प्रॉब्लम होगी, मृत्यु भी हो सकती है जब ब्लड रुकेगा ही नहीं। तो प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है हमारे शरीर में? प्लेटलेट्स की कमी होने से इंसान हमेशा सुस्त, उसको सुस्तीपना रहता है हमेशा, पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता। उस दिन हम बताए भी थे कि प्लेटलेट्स यानी कि जिस इंसान को अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसको प्लेटलेट्स की कमी है। कि सोचते हैं कि हमारा दोस्त एक है वो तो इतना रात रात एक एक बजे तक पढ़ लेता है, लेकिन हमें इतना मन करता है पढ़ाई करने का, हम क्यों नहीं कर पाते? तो उसका कारण यही है कि वो उसका प्लेटलेट्स डाउन है, वो जाकर अपना प्लेटलेट्स चेक कराए। तो देखो प्लेटलेट्स का आकार क्या होता है, और प्लेटलेट्स को खुद से भी पूरा किया जा सकता है, जैसे कि दूध और फ्रूट्स वगैरह खाकर। तो चलो देखते हैं प्लेटलेट्स का आकार क्या होता है। प्लेटलेट्स का आकार होता है उत्तल लेंस के आकार का, है ना? उत्तल लेंस ऐसे ही होता है, तो इसका आकार उत्तल लेंस का होता है, और इसमें भी केंद्रक नहीं होता, यानी प्लेटलेट्स से भी डीएनए का चेक नहीं कर डीएनए का को चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यहाँ डीएनए नहीं होता, ना तो आरएनए होता है। और ये प्लेटलेट्स क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है, ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। अभी बताए थे यही बात कि प्लेटलेट्स होता है तभी पढ़ाई में मन लगता है या कि और काम करने में मन लगता है। तो इसकी कमी से सुस्तीपना रहता है हमें हमारे शरीर में हमेशा। और ये क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर में? इसकी संख्या 200,000 होनी चाहिए हमारे शरीर में, इसकी संख्या 200,000 होनी चाहिए। अगर इससे कम आया तो बेकार है, यानी कि 200,000 मैक्सिमम होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, जैसे कि 10-15 थोड़ा ही, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि प्लेटलेट्स क्या होता है और WBC RBC। तो हमारा ब्लड का पार्ट ख़त्म हो गया यहीं से। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और ब्लड हमने बेसिक से बताया है कि छोटी छोटी चीज़ के बारे में कि ब्लड में ये क्या होता है, ऐसे ऐसे। थोड़ा और आगे है कि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, ये इसका एक पार्ट बनेगा कल। तो लेकिन ब्लड के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हो। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और थैंक यू।